तो वेलकम बैक गाइस, हम अभी निकले हैं संडे राइड को और ये मेरे साथ मेरा भाई है और आज हम जाएंगे एक लोकेशन पे जो सिलचर से करीब के 11 से 12 किलोमीटर है। हम घूमने जा रहे हैं और फ़ोटोशूट भी करेंगे और इस लोकेशन में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो आप राइड एंजॉय करिए। आप लोकेशन ये चेक करें आप। सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ लानी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरे साथ मांगे ले संडे राइड को। और ये मेरे साथ मेरा भाई है और आज हम जाएंगे एक लोकेशन पे जो सिलचर से करीब के 11 से 12 किलोमीटर है। हम घूमने जा रहे हैं और फोटोशूट भी करेंगे और इस लोकेशन में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो आप राइड एंजॉय करिए। तो बेसिकली ये जो सिलचर का बाईपास है और ये पड़ता है काशीपुर में। तो गाइस यहाँ पर बेसिकली जो बाईपास का जो काम चल रहा है ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। जो हमारा सिलचर का बाईपास आईएसपीटी का बाईपास है ना, वो यहाँ पर आके एंड होता है, तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो ये ख़त्म होने के बाद पूरा रोड बन जाएगा। ये बहुत ऑफ रोड वाला रोड है। गाइस यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर व्यू बहुत मस्त आ रहा है और इधर सनसेट हो रहा है, ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए बहुत ही अच्छा व्यू है। तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ लानी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए। हम जिस लोकेशन पे है भाई मत पूछो, दिल खुश कर दिया उस लोकेशन पे। ये जो लोकेशन पड़ता है ये काशीपुर बाईपास के अंदर ही पड़ता है। अब आप लोकेशन ये चेक करें आप। ये देखो गाइस इधर से सनसेट हो रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। उधर से अब प्लस पॉइंट और एक लोकेशन चेक करो, प्लस पॉइंट। भाई ये बहुत ही चिल मारने का जगह है और फोटोशूट के लिए भी बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अभी देखो हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं और इधर से सनसेट बहुत ही प्यारा आ रहा है। यहाँ पर आना चाहते हो ना तो 3 बजे से 4 बजे के अंदर ही आना, तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। जैसे देखो यार क्या ही लोकेशन है, मेरा दिल खुश कर दिया इसने। तो
बेसिकली गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए, बहुत ही लेट हो चुके हैं हम। और यहाँ पर हम बहुत ही मस्ती की है, बहुत ही रील्स फ़ोटोशूट बहुत सारी की है। आपको ये सब इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, आप फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये लोकेशन बहुत ही प्यारा है और यहाँ से सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर एक ये आई थिंक कोई लीवर ओवर होगा, पता नहीं, बट ये लोकेशन ऑसम है यार, ऑसम ऑसम। तो गाइस अभी हम निकलते हैं घर के लिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और ये लोकेशन आपको कैसा लगा आप बोलना मत भूलिए, कमेंट करना आप। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, बहुत ही लेट हो चुके हैं हम। और अभी सनसेट का समय है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा होगा आप देख रहे होंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे थे अपने घर वापस, और यहाँ पे जाते जाते हमको ये कुछ दिखा, ये और क्लियर था इसलिए हम रुक गए। भाई क्या ही मस्त है भाई, ये सिलचर का बाईपास है जो हमारा आईएसपीडी से स्टार्ट होता है और इधर से एंड होगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा। हम बेसिकली ये व्यू देखने के लिए रुके हैं, भाई ऑसम ऑसम।